अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ लच्छा पकौड़ा। फ्रेंड्स, मैं आपको लच्छा पकौड़े के पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। फ्रेंड्स, हमें लच्छा पकौड़े के लिए चाहिए हमें हाफ टेबल स्पून हमें चाहिए जीरा, हाफ टेबल स्पून चाहिए हमें चिली फ्लेक, हाफ टेबल स्पून चाहिए हमें नमक, और हाफ टेबल स्पून हमें चाहिए अजवाइन, हाफ टेबल स्पून बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक पिंच फूड कलर की, और हमने ले लेने हैं 7 बंद गोभी और प्याज। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे बाउल में। फ्रेंड्स देखें, अब हमने इनको चम्मच से हल्का सा हिला लिया था। अब इसके अंदर हम बेसन डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमने बेसन डालना है। बेसन और थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डालना है। और अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी होकर करनी चाहिए, क्योंकि थोड़े थोड़े कतरे से ही दरिया भर जाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे और पानी। हमने साथ साथ इसको मिक्स करते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर बन गया। अब पकौड़े ऑयल के अंदर डाल देंगे। पकौड़ा हमने लिया अपने एक, और हमने डाल दिया ऑयल में। हम दूसरा पकौड़ा लेते हैं, ऑयल भी हमने डाल दिया ऑयल में। फ्रेंड्स, मेरे पकौड़े हो चुके हैं, मैं इन्हें पलट देती हूँ। हम एक स्पून ले लेंगे और हम इस तरीके से पलट देंगे। सारे पकौड़े को हम इस तरीके से पलट देंगे। फ्रेंड्स, हमारे पकौड़े बन चुके हैं, अब हमें निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पकौड़े रेडी हैं। फ्रेंड्स, मेरे कैबेज एंड ऑनियन पकौड़े रेडी हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो आप ये ज़रूर बनाएं अपने घर में, और मेक श्योर आपने मेरी वीडियो को लाइक किया हो। अगर लाइक किया है तो जल्दी से जाके, अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा। बाय बाय।